आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जिसके बारे में जनरली भारत में बात ही नहीं की जाती, और वो है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। कोल्ड स्टोरेज मतलब आपको जब भी किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, बट उसका टेम्परेचर मेंटेन करके। फॉर एग्जांपल मेडिसिंस, अगर आपके कुछ मेडिसिंस होते हैं जिनको रेफ्रिजरेटर करके ही लेके जाना पड़ता है, इनका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है कि भाई इस टेम्परेचर से ऊपर उसको नहीं आना चाहिए, तो उसको आपको ऐसे जनरली ट्रक में डाल के लेके जाओगे, किसी कंटेनर में डाल के लेके जाओगे, तो वो टेम्परेचर उसका एग्जिट करेगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो दवाई कोई काम की नहीं रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, जैसे मिल्क, उसको आप बिना रेफ्रिजरेटेड वैन के ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिना रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हम जो आपका रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होता है उसको रीफर बोलते हैं देसी भाषा में, बट लोगों को पता नहीं है कि यार इसके लिए कौन सा ट्रक सही है, क्या पैरामीटर्स उनको लगाने चाहिए ट्रक खरीदने के पहले, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। किसी न किसी तरह से आप ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जिसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन के माध्यम से होता है, रीफर के माध्यम से होता है, तो ये वीडियो आपके लिए। रीफर का बिजनेस भारत में बहुत ही ज़्यादा उभर के आने वाला एक ऐसा बिजनेस है जो कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आपने पैर जमाएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसके लिए एक प्रॉपर मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको रीफर वैन बनते हुए मिल जाए, या आपको सही सलाह देने वाला नहीं है कि वो सलाह दे सके कि यार यहाँ से आप जाओगे तो आपको एग्जैक्टली राइट रेफ्रिजरेटेड वैन मिल जाएगी। तो अगर मैं मान लूँ कि आपको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना है जहाँ पे आप लॉजिस्टिक्स करना चाहते हो बट कोल्ड तरीके से, मतलब एक रीफर वैन के अंदर या फिर रेफ्रिजरेटेड वैन के अंदर जिसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, ये भी तीन तरीके से किया जा सकता है जिसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको वो क्या सारे पैरामीटर्स हैं, वो क्या सारे फैक्टर्स हैं, वो क्या सारे कंसिडरेशंस हैं जो आपको देखना चाहिए एक रीफर वैन के बिजनेस पर इन्वेस्ट करने से पहले। एक ब्रांड है उसमें आपको सबसे पहली चीज जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि आपका बजट, देखिए रेफ्रिजरेटेड वैन जनरली नॉर्मल ट्रक से थोड़ी सी कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि उसमें पीछे की तरफ एक ऑलरेडी बहुत सारा कंटेनर लगा होता है जो ऑलरेडी रेफ्रिजरेटेड रहता है। समझो कि इतना ज़्यादा बड़ा अगर आपको मैं फ्रिज दूंगा तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी। तो आपकी सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है बजट। तो आपका बजट डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का बजट है। डिपेंड कि अगर आपको छोटा ट्रक लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, बड़ा ट्रक भी ले सकते हैं, बट इससे पहले आप कुछ चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपकी ऑन रोड प्राइस क्या है। तो ऑन रोड प्राइस ऑफ द व्हीकल बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपका डाउन पेमेंट और आपकी ईएमआईज बनने वाली है। कितने लंबे टाइम तक आप उस लोन को रीपेमेंट करोगे इस बेसिस पर आपकी ईएमआईज भी वेरी करती है। तो इस चीज़ का भी खासा ध्यान रखिए कि जो आपकी ईएमआई आ रही है वो इस तरह से आए कि आपके हर मंथ के नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट उसमें जो है कहीं ना कहीं आप उसमें री इन्वेस्ट कर सको, ईएमआईज उससे फिल कर सको और आप अपने लिए भी सेव कर सको, ताकि आपका बिजनेस जो है ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहे। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। इसके बाद में आप देखिएगा कि रीफर वैन क्योंकि कंटिन्यूअस रनिंग में होती है तो उसका सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस कैसे हैं। तो आपको ना सिर्फ उसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस पता होना चाहिए, उसके बारे में डाउन पेमेंट, ईएमआई और इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए कि आपको बेस्ट इंटरेस्ट कौन सा और कहां से मिल सकता है, सबसे कम और सबसे बेस्ट ईएमआई जो आपके इनकम को सूट करे वो कहाँ मिल सकती है, क्या बेस्ट डाउन पेमेंट हो सकता है। बट साथ में आपको सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस को भी ध्यान रखना है कि मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ जिस ओईएम से गाड़ी ले रहा हूँ, जिस मैन्युफैक्चरर से गाड़ी ले रहा हूँ, क्या उसकी जो गाड़ी है वो सर्विस में मेरे लिए सही बैठेगी। और लास्ट में इंपॉर्टेंट है वारंटी पीरियड। वारंटी पीरियड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी भी कवर करके देगी, तो जितनी ज़्यादा वारंटी उतना ज़्यादा जो है आपका काम होना चाहिए। तो बजट आपका डिपेंड करेगा कि इस चीज़ पे, तो जो आपका बजट है उसमें आप देखिए ये सारी चीज़ें आपकी कंसिडरेबल है या नहीं, आप क्या आप इन सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है आपको कंसिडर करने के लिए गाड़ी को, वो है पेलोड और स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए जनरली हम कंटेनर को लेंथ और वेट की जगह वॉल्यूम में नापते हैं, जैसे कि हम लीटर्स में फ्रिज को नापते हैं। जनरली कोल्ड स्टोरेज के जो कंटेनर्स होते हैं उनको भी लीटर्स में ही नापा जाता है, और कई बार जो है हम लोग देसी भाषा में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हम लोग उसको लेंथ, वेट और हाइट में भी नापते हैं कि यार 20x6.5 का कंटेनर जो है हमारा है और उसकी हाइट जो है 7 फीट की। जनरली इन कंटेनर्स की हाइट जो थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है कि वो ज़्यादा वॉल्यूम वो लेके जा सके, डिपेंड कि आप किस तरह से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मशरूम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, बटर मशरूम्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, जो कि कोल्ड अगर उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको कोल्ड कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ें वेरी करती हैं कि कितने उसमें बॉक्सेस आ जाएंगे, कितनी कैरेट्स आ जाएंगी। सेम चीज़ मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी, कितनी कैरेट्स आ जाएंगी, किस तरह से आप चीज़ें कर रहे हो। मैं पैकेट मिल्क की बात कर रहा हूँ, जो पैकेट मिल्क आता है, टोन्ड मिल्क आता है, उसकी बात कर रहा हूँ, अगर उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो आपको देखना है कि हाई वॉल्यूम डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब क्या कि डायमेंशन लार्ज होनी चाहिए, और व्हीकल जितना लंबा होगा उतना फायदा होगा। हमेशा याद रखिए कि 20
फीट की गाड़ी से 22 फीट और 24 फीट की गाड़ी कोल्ड स्टोरेज के मामले में ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि कई बार जो हमारा रीफर यूनिट होता है, जो चिलर यूनिट होता है, जो कंडेंसर होता है, वो इस तरह से फिट किया जाता है कि वो गाड़ी में अंदर थोड़ा सा स्पेस और ले लेता है। साथ में इस गाड़ी में कंटेनर होने के कारण ऐसा नहीं कि बाद में आप स्पेस कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सको, तो वो चीज़ भी आपको देखने वाली होती है। इसके अलावा आप देखो कि भाई इसमें कंटेनर बनता है, वॉल्स थिक होती है क्योंकि अच्छी खासी इंसुलेशन और पैडिंग होती है। इस इंसुलेशन और पैडिंग के बाद में ये भी आपको चेक कर लेना है क्या कि भाई स्टेबल व्हील बेस है और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब क्या कि भाई तभी तो हाई पेलोड कैपेसिटी आएगी, भाई स्टेबल होना चाहिए ना। मतलब पता चला कि व्हील बेस ही छोटा है गाड़ी का, गाड़ी आपने बहुत लंबी रख दी तो लोड जो है पीछे की तरफ जा रहा है, सही सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं आ रही है। साथ में गाड़ी ऊबर खाबड़ रस्तों और बारिश जैसी क्रिटिकल कंडीशन जब हमारी मोस्टली रोड खराब होती है या फिर हमें किसी ऐसे अनइवन सरफेस से निकलना पड़ता है जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं करते, उसके लिए आपको हाई पेलोड कैपेसिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप हाई पेलोड कैपेसिटीज़ को तब लेके जा पाओगे जब आपका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया होगा, आप उस सड़क से निकल सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको देखनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। टाइप ऑफ बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि छोटी जो वैन होती है, मतलब मान लो कि अगर आपने एक टाटा योद्धा पे वैन बनवा रखा है या टाटा के छोटा हाथी पे वैन बनवा रखा है, तो वो आपकी रेफ्रिजरेटेड वैन कहलाती है। बट एवे अगर बात करते हो कि मीडियम या लार्ज बिजनेस के लिए बात कर रहे हो, मतलब मान लो आपको बल्क में मेडिसिन का सप्लाई है, तो फिर आपको एक रीफर ट्रक की जरूरत पड़ेगी। मैंने बताया तो रीफर ट्रक की आप इमेज अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, साथ में वैन की भी इमेज देख सकते हो। ये बेसिकली होता कुछ नहीं, पीछे की तरफ जो कंटेनर होता है वो कंटेनर कहीं ना कहीं आपका इंसुलेटेड रहेगा और उस कंटेनर के इंसुलेशन के कारण उसमें जो अंदर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। अब देखिए मैंने बताया कि हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें आपको सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करके ले जाना हो कि यार इसका जो टेम्परेचर है वो आपका लगभग 0 से लेकर 4 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, 4 डिग्री से ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तो मेरा काम चल जाएगा। कई जगह आपको सब जीरो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी और कई जगह आपको डीप फ्रीजर की भी ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने देखा हो तो अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपको ये चेक करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप कोल्ड टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, जितने डाउन माइनस में टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, उतना कॉस्ट आपका हमेशा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वॉल्स को थिक करने के लिए पैडिंग बढ़ती है, इंसुलेशन हमें बढ़ता है, मटेरियल की कॉस्ट और क्वालिटी दोनों हमें बढ़ानी पड़ती है। साथ में हमारे इंजन को भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं उसकी मोटर को चलाने के लिए, जिसके बारे में हम आगे की तरफ बात करेंगे। बट आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको इंसुलेशन ऑनली वैन, मतलब मैंने बताया कि अगर आपको इसमें क्या टेम्परेचर रेंज और व्हीकल टाइप होते हैं, देखो इंसुलेशन फॉर मतलब जो सिर्फ एक रेगुलेटेड टेम्परेचर चाहिए ना कि यार चलो यार मैं संतरा लेके जा रहा हूँ, संतरे का टेम्परेचर चार एग्जाम्पल ले लो कि 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो मैं उसमें ले सकता हूँ कि बस इंसुलेटेड होनी चाहिए, मैंने ठंडा चीज़ डाली उसके अंदर तो ठंडा है तो बस वो ठंडा बना रहा है, एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर ना जाए, ये होता है। दूसरा होता है फ्रीजर वैन। फ्रीजर वैन में क्या होता है कि भाई अगर कोई चीज़ फ्रोजन स्टेट में है तो फ्रोजन स्टेट में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रोजन पीस लेके जा रहा हूँ, मैं मटर को लेकर जा रहा हूँ, मुझे पता है फ्रोजन मटर, तो उसका टेम्परेचर ना बढ़े तो उसमें हल्की बहुत ठंडा ही जाएगी, हल्का बहुत कूलिंग आएगा, मतलब कूलिंग को मेंटेन रखेगा तो वहाँ पे काम चल जाएगा। सेमी फ्रीजर वैन्स क्या होती है दोस्तों कि सेमी फ्रोजन स्टेट में वो जो चीज़ों को रखती है। चिलर वैन्स क्या होती है कि भाई देखो वो ना चिल्ड रखती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, कार्बोनेटेड बेवरेजेस की बात चल गई, या फिर कोई स्पेशल टाइप का आपका कोई स्पेशल टाइप का अल्कोहल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें जो है इस टाइप की चीज़ें मोस्टली जो है आपको कि चिल्ड स्टेट में आपका जो सामान है वो जा रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें होती है कि तब आपको वो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट के तो वो आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में रीफर जो ट्रक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें आप टेम्परेचर एक्चुअली सेट कर सकते हो, राइट टेम्परेचर सेट कर सकते हो, बिकाओ डिपेंड ऑन दी लोड वेरिएशन की आपको लोड क्या है, पेलोड क्या है आपका, और उसके बेसिस पे आपका कितना लोड है, मतलब कितना खाली है, कितना कम है, तो आप जैसे उसको रेगुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन आपका है, रीफर ट्रक में आपने एक तरफ से आप रीफर चलाओगे, दूसरी तरफ से आप रीफर नहीं चलाओगे, क्योंकि एक तरफ से आपका मिल्क है तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उसको आपको ठंडा रख के लेके जाओगे, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिस्टेंस एंड ड्रॉप फ्रीक्वेंसी। अब डिस्टेंस और ड्रॉप फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि देखो डिस्टेंस और ड्रॉप फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपको ये हमेशा कंसीडर करना चाहिए कि मेरे को ड्रॉप फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब मेरे को कितनी बार खाली करना है। फॉर एग्जांपल चलो मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। क्या होता है कि मिल्क मैंने डिपो से लोड किया, मतलब मैंने मेन सोर्स से मिल्क लोड किया, बट मुझे छोटे छोटे मिल्क बूथ्स पे डिलीवर करना है, तो गाड़ी 5 किलोमीटर चलेगी
फिर रुकेगी, फिर अनलोड करेगी, फिर 5 किलोमीटर चलेगी, फिर अनलोड करेगी, फिर 2 किलोमीटर चलेगी, फिर अनलोड करेगी, तो मल्टीपल टाइम्स उसके डोर ओपन होते हैं, जिससे कूलिंग लॉस होता है। जब कूलिंग लॉस होता है तो उससे क्या दिक्कत होती है कि आपकी गाड़ी को जो है ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ती है, या तो एकदम से कूल करने में फिर सक्षम हो, या फिर आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़? क्योंकि उसको ठंडा रखना है उस चीज़ को। तो आपको ये देखना है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई 200-250 किलोमीटर का रन है जहाँ पे आपका ट्रक एक ही बार खुलेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी कोल्ड स्टोरेज से आपने वेयर हाउस से एप्पल निकाला और आपको उस एप्पल को उसी स्टेट में जो है किसी दूसरे वेयर हाउस पर लेके जाना है जहाँ पे आप उसको शिफ्ट करना चाहते हो, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की कि यार बार बार। तो आप देख लीजिएगा इस चीज़ का भी कि लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरीज हैं, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरीज हैं, या फिर आपकी मोर ड्रॉप फ्रिक्वेंसी, तो इसके बेसिस पे आपको हमेशा गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। अब मैंने बताया कि आप अगर एक रीफर ट्रक यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है कि उसकी में जो कूलिंग यूनिट होती है, जो कंडेंसर लगा होता है, जो कूलिंग सिस्टम लगा होता है, तो उस कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, उस कंडेंसर को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, उस कंप्रेशर को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, उस कंप्रेशर को घुमाने के लिए एक बेल्ट कनेक्ट किया जाता है जनरली हमारा, वो कनेक्ट किया जाता है आपका इंजन से, या फिर हो सकता है कि इंजन का जो पावर आउटपुट है वहाँ से कोई पावर ले लिया, डिपेंड किया आपके कितना बड़ा कूलिंग यूनिट लगा है। तो हमेशा याद रखो कि इंजन को एक्स्ट्रा साइकिल्स करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा ताकत और एक्स्ट्रा पावर क्यों लगानी पड़ती है? जस्ट बिकॉज कि उसको कूलिंग बनाए रखनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कार में जनरली अगर एसी चला के रखते हैं तो कार का माइलेज हल्का सा फ्लक्चुएट करता है, यहाँ पे वही सीन है कि अगर एक मान लो बड़ा सा पीछे की तरफ एक एसी चल रहा है, एयर कंडीशन चल रही है, उसके लिए आपको तो हमेशा गाड़ी में ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये एक्स्ट्रा लोड लेने के बाद गाड़ी का माइलेज फ्लक्चुएट तो नहीं होता है। तो गाड़ी का माइलेज अगर फ्लक्चुएट होता है तो आपको देखना है कि भाई अगर रेफ्रिजरेटेड ट्रक आप लेके जा रहे हो तो फ्यूल इकोनॉमी जो है वो हायर साइड पे रहेगी, मतलब कि आपको कम फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाली है जनरली अगर आप उसी चीज़ को नॉन रेफ्रिजरेटेड तरीके से लेके जाओगे या फिर ओपन ट्रक में लेके जाओगे उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड यूनिट या रीफर यूनिट को चलाने के लिए इनको ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं देनी पड़ती है, ज़्यादा चीज़ें जो है देनी पड़ती है। इसके बाद मैंने बताया इंसुलेशन, पावर और कंप्रेशर, मतलब एक कंप्रेशर इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर फ्रिज, एंड देयरफॉर यू शुड हैव वन दैट हैज इनफ पावर टू लास्ट लॉन्गर एंड कीप योर फूड फ्रेश। मतलब देखो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जब आपने गुड्स भरोगे उसके अंदर, जब आपने अपना लॉजिस्टिक्स का जो पार्ट है वो डाल दिया उसके अंदर, जब आपने वॉल्यूम डाल दिया उसके अंदर, तो वो वॉल्यूम को ठंडा करने के लिए उसको कितनी देर लग रही है, क्या वो उसको उतनी टाइम में चिल कर पा रहा है? पता चला कि वो उसको जब तक चिल कर पा रहा है और हीट बढ़ गई बाहर है या कोई चीज़ ऐसी होगी तो हीट चिल ही नहीं कर पा रहा है। तो वो ज़रूरी है कि आपका जो रिक्वायरमेंट हो, वॉल्यूम कितना डाल रहा है, मतलब पेलोड कितना डाल रहा है, उसके कंपैरिजन में कितनी सारी चीज़ें उनको मिक्स करके आपको देखना है कि किस तरह से चीज़ें जो है दोनों तरीके से होती हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंप्रेसर का साइज़ क्या है, इंसुलेशन गाड़ी में कितनी है। पता चला कंप्रेसर तो इक्वल ड्यूटीज़ कर रहा है बट जो हवा कहीं से लीक हो रही है, कोल्ड एयर कहीं से लीक हो रही है या वो वहाँ पर रुक ही नहीं पा रही, तो वो एक चीज़ दिक्कत है। और फिर इसी तरह से पावर भी देखना है आपको कि भाई अगर आपने कंप्रेशन यूनिट बड़ा लगा दिया और आपकी गाड़ी उतना पावर नहीं है, वो बैल से गाड़ी घुमा ही नहीं पा रही, तो वहाँ भी दिक्कत है। और अगर आपकी वो घुमा पा रही तो फिर फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो आपको इन सब चीज़ों का एक बैलेंस आउट फिगर जो है वो निकालना ज़रूरी होता है बिफोर कंसिडरिंग अ कोल्ड स्टोरेज वेल। इसके अलावा कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ गुड, तो आप वो आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या मैं इस ट्रक के ऊपर अगर मैं ये चैसी खरीदता हूँ या मैं ये ट्रक खरीदता हूँ या मैं ये कंटेनर खरीदता हूँ तो मैं क्या इसमें इस तरह से रीफर बना सकता हूँ, क्या मेरी लोडिंग हाइट सही होगी, क्या मेरा पीछे के लैचेस सही होंगे, क्या मुझे जिस वेयर हाउस से भरना है क्या उसके लिए लोडिंग हाइट सही होगी, क्या वो अप होगा डाउन होगा, तो बहुत सारी जो आपकी चीज़ें होती हैं आपको डायमेंशन देखने की, हाइट बराबर होगी या फिर आपका विड्थ बराबर होगा, तो बहुत सारी जो चीज़ें कस्टमाइजेशन जो लास्ट में आते हैं आपको देखना है। अगर आप बहुत लार्ज साइज़ के गुड्स को जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उनका फिजिकल डैमेज होने के चक्कर है, तो आपको वो भी देखना है कि भाई गाड़ी उतनी स्टेबल होनी चाहिए, उसके सस्पेंशन सिस्टम कौन से हैं, किस तरह से वो गाड़ी जो है बिहेव करती है, रोड मूवमेंट कैसा है, ब्रेकिंग वगैरह उसकी कैसी है, और इंजन को लोड लेते वक्त क्या वो उसकी ग्रेडेबिलिटी बढ़िया है, क्या उस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, सस्पेंशन की बात आती है, टायर्स कौन से लगेंगे उसमें, छोटे टायर तो नहीं लगे हुए, ऐसे कोई चीज़ तो नहीं लगी है जो कि मुझे बाद में ऑपरेशनल टाइम पर दिक्कत दे। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब क्या होता है दोस्तों कि आपको लास्ट में जो है आपको क्या कंसीडर करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि टाटा मोटर्स को जो गाड़ियाँ हैं वो आपको कंसीडर करनी चाहिए इन सारी एप्लीकेशंस के लिए। कारण बताता हूँ मैं आपको, टाटा मोटर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो इस तरह से गाड़ियाँ हैं कि आपको टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ हर एक नीड के लिए कैटर कर देंगी, आपकी हर एक नीड के लिए टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ जो है बेहतर है। कारण बताता हूँ, इनके पास वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स है, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स है कि आपको हर डेक लेंथ हर पेलोड पे गाड़ी मिल जाएगी, हर एक इंजन ऑप्शन के साथ मिल जाएगी, और VSX Phase 2 या फिर मान लो कि रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म आने के बाद 1 अप्रैल
2023 के बाद से इनकी हर एक गाड़ी में पावर बढ़ाया। अगर बात करो 180 एचपी वाली, अब 210 एचपी हो गई है, और 250 एचपी वाली बात करें तो वहाँ भी आपको अब 300 एचपी तक का ऑप्शन मिलता है, मतलब हायर हॉर्स पावर, बेटर टर्न अराउंड टाइम, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, माइलेज भी गाड़ियों का बढ़ा है, फ्यूल इफिशियंट गाड़ियाँ। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ आपको जो है कहीं ना कहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाइड ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज के साथ में आप इनको ऑपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जिस तरह से टेम्परेचर सेट करना है रीफर वैन के अंदर, स्मॉल वैन के अंदर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल पावर मोड्स आते हैं रेफ्रिजरेशन यूनिट के लिए, मतलब ये अलग अलग मोड देते हैं कि डिपेंड ऑन दी लोड, मार्केट से भी उठाते हो ना आप, कि आपके किसी कोल्ड स्टोरेज से कनेक्शन है, कभी आप सोचो कुछ गुड ट्रांसफर कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, तो गुड्स का टाइप बदल रहा है तो उससे टेम्परेचर भी वेरी करेगा, तो उससे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आपकी मल्टीपल अलग अलग गाड़ियों की नीड ना हो, एक ही गाड़ी में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बढ़िया इंसुलेशन इसके अंदर आता है, पेलोड की आपको मैंने बताया एडवांटेज मिलते हैं, स्ट्रेंथ बढ़िया होती है, टाटा की गाड़ियाँ मजबूत होती है, वो एक चीज़ है। इसके अलावा आप देखो तो मजबूत होने के बाद भी ऐसी स्टील यूज़ करते हैं, ऐसा एल्यूमिनियम और ऐसा इंसुलेशन और बाकी सारे मटेरियल यूज़ करते हैं कि हायर पेलोड जाने के लिए ये लोग लाइट रखते हैं गाड़ी को, जिसके कारण से माइलेज बढ़िया आता है। और आप मल्टीपोर्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो पावर आपका वैसे भी इस तरह से डिलीवर होगा जिससे आप बेहतर से बेहतर फ्यूल इकोनॉमी और माइलेज निकाल सकते हो। तो दोस्तों कंसिडर क्यों करना चाहिए, मैंने बताया आपको कि इंसुलेटेड कंटेनर्स हैं, बढ़िया मिनी रेफ्रिजरेटर बन सकता है, लोडिंग कैपेसिटी बढ़िया है, कंट्रोल करना इनको बहुत आसान है। ड्राइवर जो इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो अपने ड्राइवर केबिन में बैठ के ही जो है उसको मोस्टली आप देखोगे कि वहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से चला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ड्यूरेबल भी है, और ग्राउंड क्लियरेंस तो इनका बेजोड़ आता है, क्योंकि पीछे की तरफ टाटा जो अपने एक्सल्स यूज़ करता है वो बहुत लंबे ट्राइड और टेस्टेड है, जो कि कहीं भी नहीं टकराते, कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ें, अब मैं नीचे की तरफ एक लिंक दे देता हूँ जिससे कि आप जो है कमर्शियल व्हीकल्स जो टाटा मोटर्स के हैं उसको आप कहीं ना कहीं खरीद सकते हो और चीज़ों को देख सकते हो। टाटा मोटर्स का रीफर, अगर आपको हायर पेलोड है तो आप रीफर खरीद लो, मतलब अगर आपका पेलोड ज़्यादा है, मान लो बल्क में आप मेडिसिन ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ कोल्ड स्टोरेज से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो कि बल्क में जानी है, बहुत ज़्यादा है, तो आप रीफर वैन कर सकते हो। जैसे कि आपका 6 टायर जो गाड़ी हो गई जनरली 24 फीट, वो आप देख सकते हो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी उनके रहने वाली है। अलग अलग पावर ट्रेन में अलग अलग ऑप्शन में वो मिल जाएगी, LPT और अल्ट्रा दोनों केबिन के साथ में वो गाड़ी मिलती है। इवन कई बार तो आपको जो है वो चैसी में भी मिल जाएगी, ताकि आपको जो है उसमें बिना केबिन के, तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। इसके अलावा आप देखो तो टाटा एस फॉर लोअर पेलोड्स कोल्ड स्टोरेज बिजनेस, मतलब मान लो आपका सिटी में कोई लास्ट माइल डिलीवरी है, कुछ इस तरह से डिलीवरी है, या फिर आपका कोई इस तरह से काम है जिसमें कि आपको इस तरह के FMCG आप लेके जा रहे हो, या कोई ऐसे बेवरेजेस से मान लो डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट लेके जा रहे हो जो कि लोकल लास्ट माइल जा रहे हो, तो आप छोटी गाड़ी के लिए टाटा का रेफ्रिजरेटेड वैन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से, मैंने ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करी कि एक रेफ्रिजरेटेड वैन या फिर कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में आने से पहले आपको क्या सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, क्या सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो मेरी तरफ से, रमन नाई की तरफ से आज के लिए इतना ही। सारी चीज़ें, सारी चीज़ों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। टाटा का टोल फ्री नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है सामने की तरफ, आप चाहे तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके जान सकते हैं कि क्या सारी चीज़ें आपको और कंसीडर करनी चाहिए एक रेफ्रिजरेटेड वैन लेने के पहले। कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है, मैं रमन नायक आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स और कॉल कीजिए इस नंबर पर।